बाजार में रंग बिरंगी चीजों को देखकर हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, फिर चाहे वो चूड़ियां हों, कपड़े हों या फिर खिलौने। हम इनकी सुंदरता को देखकर उन्हें पाने को लालायित हो जाते हैं। इन सब चीजों की सुंदरता का प्रमुख कारण है रंजक। कुछ समय पहले रंजक के तौर पर प्राकृतिक रंजकों का इस्तेमाल किया जाता था। ये रंजक पेड़ पौधों के विभिन्न हिस्सों से बनाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे रंजकों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा और प्राकृतिक रंजकों के स्रोत कम पड़ने लगे। तब प्राकृतिक रंजकों के विकल्प की जरूरत महसूस होने लगी और फिर वो वक्त आया जब विलियम हेनरी पर्किन ने पहले कृत्रिम रंजक बनाकर औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति की लहर दौड़ा दी। विलियम हेनरी पर्किन ने तारकोल से क्विनीन का संश्लेषण करते समय जब एनिलीन और सोडियम डाइक्रोमेट को मिलाया तो अकस्मात ही गहरे बैंगनी रंग का रंजक प्राप्त हुआ। इस रंजक का नाम एनिलीन रंजक रखा गया, जिसे ज्यादातर मोवीन के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर पर्किन ने दो नए कृत्रिम रंजक ब्रिटानिया वॉयलेट और पर्किन्स ग्रीन का संश्लेषण किया। सन 1862 तक तारकोल से बने एक दर्जन से अधिक रंग बाजार में आ गए थे। पर्किन के बनाए कृत्रिम रंजक वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर कारगर साबित हुए।